Student tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is linear magnification produced by lenses. Oho, ये तो same ही topic आ गया. ये हम mirror में भी पढ़ चुके हैं और हम अब lenses में पढ़ने जा रहे हैं. इसलिए इसमें bore होने की जरूरत नहीं है. हाँ, चीजें वही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा difference है उन दोनों में. लेकिन क्या है कि पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है कि आप जो है आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा. और क्या है कि जो थोड़ा बहुत भी जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे पढ़ भी लोगे. ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. तो क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हमने मिरर फॉर्म जो हम मिरर पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स, उसमें भी हमने ये लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था. तो सोच लीजिए कि वैसा ही है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. क्योंकि अगर जैसे होते ना कि जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे, हाँ, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अब कितना बड़ा है ये नहीं पता हमको, लेकिन जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी, वो पॉइंट साइज की होगी, हाईली क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी. ठीक है, ठीक. अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि मैंने जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पास में लाते जाते हैं लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के, तो हमारा जो इमेज है वो क्या होता है, वो बड़ा 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 होता जाता है. उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है. ठीक है, तो अब अगर हमको ये बताना है कि इमेज का साइज बड़ा है या इमेज का साइज मतलब कम हुआ है या इमेज का साइज ज्यादा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कि इमेज का साइज कैसे कम हुआ है. अब अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये पेन है मान लीजिए, या मेरे पास ये बोर्ड है, मैंने कहा कि ये बोर्ड मेरा बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन बड़ा किससे है, इसके कंपेयर में कोई और बोर्ड भी तो होना चाहिए, या इस पेन के कंपेयर में कोई और पेन भी तो होना चाहिए जिससे मैं बोलूं कि नहीं इस बोर्ड के कंपेयर में मेरा बोर्ड बड़ा है या इस बोर्ड के कंपेयर में मेरा बोर्ड छोटा है. ठीक है, तो कंपेरिजन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है. ठीक, कभी भी एक अकेली चीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है. ठीक, अगर कोई भी जो अगर हो कि नहीं अकेली चीज हो तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. अब जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के घर में सिर्फ एक बेबी है, ठीक, तो भाई उसका कंपटीशन कोई नहीं है, या दूसरा बच्चा कोई नहीं है, तो वो क्या आ गया कि उसका कंपैरिजन किसी से नहीं होता. ठीक, लेकिन अगर वहीं पे किसी घर में दो बच्चे हैं तो क्या होता है कि फिर कंपेयर होना शुरू हो जाता है कि ये वाला बच्चा जो है जल्दी खाता है, ये वाला बच्चा धीमे खाता है, ये वाला बच्चा जल्दी बोला, ये वाला बच्चा धीमे बोला, ये तेज चलता है, ये धीमे चलता है. तो क्या होगा कि कंपैरिजन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है. तो यहाँ पे अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ इमेज को आप इमेज को ही लेके नहीं बता सकते कि इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही, उसके कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा उससे हम कंपेयर करेंगे ना, कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका. अगर 5 सेंटीमीटर से कम हाइट की क्या हुई, इमेज फॉर्म हुई, अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म हुई, ठीक, आई और ये ओ, ठीक, अगर 3 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्म हुई तो आप अब इन दोनों का कंपेयर करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से क्या है, हमारी इमेज छोटी है. ठीक है, अगर यही क्या हुआ कि ये जो है ये हो गई 10 सेंटीमीटर, इमेज क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, तब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है. ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि क्या करें, कि अब ये बात आपको समझ में आई कि कभी भी कंपैरिजन के लिए क्या है, दो चीजों का होना
जरूरी है, ठीक है। तो जब भी हम मैथ्स या फिजिक्स में कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, रेशियो। जब हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं फिजिक्स या मैथ्स में, तब हम बता पाते हैं कि ये चीज इससे कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यही है कि क्या है, द लीनियर मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को जब कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से कि इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और मैं फिर आपको बता दूं, याद दिला दूं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये विदाउट यूनिट फ्री फ्री घूमता रहता है, ठीक है। तो क्या है, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ भी लिख सकते हैं, एच टू अपॉन एच वन। एच टू क्या है भाई, इमेज है जो कि ऑब्जेक्ट के बाद बनती है, ठीक है। तो उस वो क्या होगी, एच टू होगी, और एच वन क्या, जो हमारी पहली चीज है ऑब्जेक्ट है वो एच वन, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज, एच टू क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक। उसके बाद जो है, अब एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस वी। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला उसका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एम इक्वल टू वी अपॉन यू, इमेज की डिस्टेंस अपॉन क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी ये मुझे लग रहा है कि आपको आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे से ही समझाया है, और क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए आपको समझने थोड़ा और इजी हो गया होगा, ठीक। अब आपको पता ही है कि कुछ केसेस होते हैं, इसके तीन केसेस होते हैं एम के, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन में केसेस होते हैं वो थ्री होते हैं। पहला क्या है कि जब m की वैल्यू क्या है, वन, क्या है, वन, इट मींस कि m क्या है, अगर वन है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट और जो इमेज होगी उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। कैसे होगी, तो m इक्वल टू होता है i अपॉन o, ठीक। तो अगर m जो i होगा वो भी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, तो उस टाइम पे जो m की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1, क्या होगी, 1 होगी। तो यानी कि जब भी m की वैल्यू 1 दिया हो उसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी इमेज है वो दोनों सेम हाइट के हैं, क्या है, सेम हाइट के, ठीक है, दोनों इक्वल इक्वल है। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो है एक केस ऐसा आता है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही सेम साइज किसका होता है, इमेज का भी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा केस जो है, m इज लेस देन वन। m इज लेस देन वन कब होगा, अब यहाँ पे देख लीजिए कि m इज लेस देन वन कब होगा। अब लेस देन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तभी तो लेस देन वन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो 3 सेंटीमीटर का और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और अपॉन ओ की जो है वो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि जो m की वैल्यू है वो क्या है, 1 से कम है, क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है। इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है, ठीक है। क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी हाइट क्या है या उसका साइज क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड केस है, m इज ग्रेटर देन वन।
अब उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में जो हमारा और जो हमारा इमेज है वो क्या होना चाहिए, बड़ा। जब हमारा इमेज जो है वो बड़ा होगा तभी क्या होगा, हमारा m इज ग्रेटर देन वन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा क्या है, इमेज की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर और हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो जब इसको कैंसिल आप करोगे तो आप देखोगे कि m इक्वल टू क्या रहा है, 2। m इक्वल टू क्या रहा है, 2। 2 क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी अगर मान लीजिए ये दिया है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, तो यहां पे देख लीजिए कि m क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है। अगर m की वैल्यू 1 हो रही है तो इसका मतलब है कि जो आपका इमेज की का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, दोनों सेम है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो छोटी बनी है। अगर m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, तो उस जो वो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। उस केस में आपकी इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये वैल्यूज दी हुई है तो आप आराम से m निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये वैल्यू दी हुई है तो आप आराम से ये क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। अगर वो बड़ी बन रही है तो कॉनकेव का तो केस हो ही नहीं सकता कि क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो इट मीन्स कि ये कॉन्वेक्स लेंस का ही केस है। तो उसमें आप देख लें कि कौन सा केस है। ठीक है, तो m इक्वल टू 1 इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर m इक्वल टू लेस देन 1 है तो क्या है, लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, छोटा साइज है इमेज का। और m इज ग्रेटर देन 1 मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, इमेज का साइज बड़ा है। ठीक, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज लेस देन 1। जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जब हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो उसके कॉनकेव लेंस के केस में m की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि जो उसमें सिर्फ दो केस होते हैं और दोनों केस में जो हमें इमेज मिलती है, एक में तो हाईली डिमिनिश्ड मिलती है, पॉइंट साइज की मिलती है, और एक में डिमिनिश्ड मिलती है, तो सेम साइज भी नहीं है, मोर तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा क्या होगी, m की वैल्यू लेस देन 1 होगी अगर कॉनकेव लेंस का केस है तो। उसके बाद है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1। अब आप ये भी सोच लीजिए कि क्या जो कॉन्वेक्स लेंस का केस है वो क्या है, 3 टाइम ज्यादा है कॉनकेव लेंस के केस से। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं और कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं। तो भाई जाहिर सी बात है ना कि m इक्वल टू 1 भी उसी में आएगा, m इज लेस देन 1 भी उसी उसमें भी आएगा, और m इज ग्रेटर देन 1 उसी में आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, वो तीनों टाइप की इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, इनलार्ज भी बनाता है, और सेम साइज का भी बनाता है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये तीनों केसेस आ सकते हैं, या ये तीनों केसेस होते हैं। ठीक है, अब एक और छोटा सा केस है जो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, इसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब ये जो हमारा केस है इसको हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस H1 एंड H2 बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, सुन लीजिएगा, सुनिएगा मैं समझा रही हूं। उसके बाद है नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस m इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड m इज नेगेटिव व्हेन इमेज इज रियल। अब आप सोचेंगे ये वर्चुअल और रियल का क्या मामला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी तक तो हाइट की बात हो रही थी, तो आपको मैंने बताया होगा कि जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, और जब रियल इन्वर्टेड होती है, ये इरेक्ट की बात कर रही हूं मैं और ये इन्वर्टेड की बात कर रही हूं, तो क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। फिर जब मैंने आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था
कि ये क्या होता है, एक्स एक्स प्लेन होता है, मतलब एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। मैंने कहा था ये वाई एक्सिस यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी या इरेक्ट, हम यहाँ पे इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात करते हैं, ठीक है। अगर इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी तो उसकी हाइट हम कहां लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी तो उसकी हाइट भाई हम कहां से लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव वाई एक्सिस से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, हाइट ही तो है, किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की ही तो बात कर रहे हैं हम। तो जब कॉनकेव लेंस का केस आएगा तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि वो कॉनकेव लेंस के केस में कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है तो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, अपराइट होगी, तो उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो इमेज है उसकी हाइट तो पॉजिटिव ही होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमेशा कैसे रखा होता है, ऐसे ही तो रखा होता है, अपराइट ही रखा होता है, तो उसकी भी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी भाई, क्योंकि हम कहां से लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेंगे। इसीलिए यहां पे बोल रहा है कि कॉनकेव लेंस के केस में एच वन एंड एच टू बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अब जो है बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट तो चलो सेम ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट रहता है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा एच वन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाइट की बात कर रही हूं मैं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूं, मैं हाइट की बात कर रही हूं, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। लेकिन क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, यानी इरेक्ट इमेज भी फॉर्म करता है और इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है। तो जब भी वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा यानी कि अपराइट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तब तो हमारी जो एस टू की वैल्यू है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा तो वहां पे हमारी एस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यही ये बात कह रहा है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और m की वैल्यू नेगेटिव होगी कब, जब वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो जब भी अगर ऐसा कभी आ जाए कि ऐसा आ जाए आपको कि लिखा हो m इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, तो माइनस टू तो आप सोचेंगे ये तो अब क्या है, ये लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है कि क्या है, कि इक्वल टू वन है, तो इक्वल टू वन या ग्रेटर देन या लेस देन वन से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको इस साइन से कोई मतलब नहीं है लीनियर मैग्निफिकेशन में, ठीक है। अगर हम अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे इस साइन से कोई मतलब, ये क्या बता रहा है, ये हमको इमेज का नेचर बता रहा है, क्या बता रहा है, इमेज का नेचर बता रहा है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि इमेज कितनी बड़ी फॉर्म हुई है तो उसके लिए आपको सिर्फ ये चाहिए, आपको सिर्फ ये नंबर चाहिए, इस साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये साइन आपको ये नहीं बता रहा है कि लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है कि इक्वल टू वन है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बता रहा। ये साइन सिर्फ आपको उस इमेज का नेचर बता रहा है कि वो वर्चुअल है कि इरेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। इसलिए ये साइन पहले तो हटा के, पहले तो आप ये देखिएगा कि ये लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है कि इक्वल टू वन है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो यानी कि इमेज क्या हो रही है, लार्ज बन रही है। अब आई इस निगेटिव की बारी, तो निगेटिव है इस मीन्स कि ये कॉनकेव लेंस का केस तो है नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस का केस है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में निगेटिव का फॉर्म हो रही है जब हम जब रियल इमेज फॉर्म हो रही है, यानी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, तब क्या हो रहा है, एम की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी, क्योंकि जो हमारा इमेज है तो उसकी हाइट जब हम लेंगे निगेटिव वाई एक्सिस से, तो उस टाइम पे जो एम की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है।
इतना समझ में आया? ये जो था ये पूरा लीनियर मैग्निफिकेशन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपको सारे केसेस भी पढ़ा दिए, मैंने ये जो साइन है नेगेटिव का या पॉजिटिव का उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये आपको पूरा लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जब हम फिर से आपसे मिलेंगे तो वो अब मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।